यहाँ पे देखिए, जब भी मैं किसी की कॉल रिकॉर्ड करता हूँ तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मैं उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। This call is now being recorded. हेलो फ्रेंड, आजकल जितने भी नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उससे अगर आप किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो एक अनाउंसमेंट की जाती है कि आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तरीके से आपके मोबाइल में एक अनाउंसमेंट होती है जिससे सामने वाला समझ जाता है कि आपकी कॉल जो है रिकॉर्डिंग पे है। ये अनाउंसमेंट सुन के, ये आवाज़ सुन के सामने वाला होशियार हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि आप उसकी कॉल जो है रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम, जब भी आप किसी को भी कॉल रिकॉर्ड करते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है आपके मोबाइल में एक अनाउंसमेंट होती है आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी कॉल रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च करना है आपको एसेबिलिटी, यहाँ पे आपको सर्च करना है एसेबिलिटी। यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, देखें एसेबिलिटी वाला, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करना है, यहाँ पे अगर आपको सेटिंग नहीं मिले तो दोबारा बैग आके एक सेटिंग और आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये वाली सेटिंग टेक्स्ट टू स्पीच, ये सेटिंग पे आना है। अगर ये सेटिंग ना मिले तो आपको बैग आना है। बैग आने के बाद आपको यहाँ पे पिच टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे देखिए PITCH, इसको सर्च करना है। फिर देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए ये जो दो वॉल्यूम है ना, इसको आपने फुल कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए आपके सामने मैं कॉल करूँगा, हेल्पलाइन पे कॉल लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा पहले जो हम रिकॉर्डिंग करते थे अनाउंसमेंट हो जाती थी, अभी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए कॉल मैंने लगा दी, अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग फील्ड लिखा हुआ आता है। तो दोबारा मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें रिकॉर्डिंग में जो अनाउंसमेंट हो रही थी आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही, वो अभी भी हो रही है, पर उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई है सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपकी कॉल जो है रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर ये प्रॉब्लम थी, आप जब भी किसी की कॉल रिकॉर्ड करते थे तो सामने वाले को पता चल जाता कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। ये जो मैंने स्पीड आपको बढ़ा के दिखाई है, अगर आप स्पीड बढ़ा लेते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो फ्रेंड यही हल था इस प्रॉब्लम का। यहाँ पे जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को लगा के आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो सामने वाले को वॉइस नहीं जाएगी जैसे पहले जाती थी। यहाँ पे वॉइस इतनी तेज़ हो गई है कि सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है।